सो हेलो गाइज, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो बेनिफिशियरी स्टेटस है उसको किस तरीके से आप बिना ओटीपी के चेक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता होगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का अगर कोई भी बेनिफिशियरी स्टेटस को चेक करते हैं, चाहे वो आपका लैंड चीटिंग ई केवाईसी या फिर आधार चीटिंग या फिर आप पैसा आने का यानी जो भी आपका किस्त होता है, जो भी आपका इंस्टॉलमेंट का पैसा आता है उसको लेकर के अगर आप बेनिफिशियरी स्टेटस को चेक करते हैं तो वहां पर आपको रजिस्टर नंबर के अलावा आपको वहां पर ओटीपी मांगा जाता है और ओटीपी उस मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है जो मोबाइल नंबर जब आप पीएम किसान रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे उस टाइम जो भी आप मोबाइल नंबर दिए हुए होंगे उस मोबाइल नंबर पर आपको ओटीपी सेंड कर दिया जाता है। और उस केस में आपको क्या होता है कि जो आप मोबाइल नंबर पता नहीं होता है, जो आपको मोबाइल नंबर पता नहीं होता है उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी को भेज दिया जाता है। जैसा कि दोस्तों आप में से बहुत किसान ऐसे होंगे जो कैफे में जाकर के या फिर नियरेस्ट सीसी सेंटर में जाकर के और पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन करवाए हुए होंगे तो वहां पर उस टाइम रजिस्ट्रेशन के टाइम अपना दुकानदार जो होते हैं वो अपना मोबाइल नंबर दे दिए होंगे या फिर आपके पास पुराना मोबाइल नंबर जो था वो आज अभी अभी नहीं है मोबाइल नंबर, उस मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी सेंड किया जाता है तो उस टाइम आपको बहुत सारा प्रॉब्लम को झेलना पड़ता है। आपको पता नहीं होता है कि कौन सा मोबाइल नंबर था जिसपे ओटीपी को भेजा जा रहा है, तो इसको लेकर के आप बिना ओटीपी के बेनिफिशियरी स्टेटस को चेक नहीं कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप बिना ओटीपी के, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना, बिना ओटीपी के, बिना किसी अदर ऐप के या फिर कोई बिना एप्लीकेशन के, ऐसा मैं नहीं बताने वाला हूँ कि पीएम किसान का जो ऑफिशियल पोर्टल है उसके अलावा किसी और पोर्टल के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पीएम किसान का ऑफिशियल जो पोर्टल है उसी पोर्टल से मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप बेनिफिशियरी स्टेटस को रजिस्टर नंबर से केवल बिना ओटीपी को आप स्टेटस को चेक कर सकते हैं। आज की स्टेप में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब भी मैं अपने चैनल पर अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे और आप लोगों को दिखाता हूं कि किस तरीके से आप अपना पीएम किसान का बेनिफिशियरी स्टेटस को बिना ओटीपी को चेक कर सकते हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके अपने मोबाइल फोन के किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बार में सर्च करना है पीएम किसान। आप जैसे ही यहाँ पर पीएम किसान सर्च कर लेते हैं तो कुछ इस तरीके से पीएम किसान का जो ऑफिशियल पोर्टल का जो लिंक है वो लिंक यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पीएम किसान सर्च करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको लिंक देखने को मिलेगा पीएम किसान का ऑफिशियल पोर्टल का। इसके नीचे में आपको बेनिफिशियरी स्टेटस का लिंक देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली बेनिफिशियरी स्टेटस का जो लिंक देखने को मिल रहा है आपको यही सेकेंड लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। और आप जैसे ही इस सेकेंड वाले लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं बेनिफिशियरी स्टेटस के ऊपर तो कुछ इस तरीके से नाउ योर स्टेटस, आपका बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करने का जो पेज है वो पेज यहाँ पर खुल करके ओपन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस पेज पर आने के बाद इसको छोड़ देना है और यहाँ पर देखते हैं साइड में कुछ इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहां पर क्लिक करने के बाद न्यू टैब का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो यहाँ पर न्यू टैब का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको यही प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके और न्यू टैब को ओपन कर लेना है। अगर आप लैपटॉप कंप्यूटर से कर रहे हैं तो भी आप न्यू टैब को ओपन करके और आपको फिर से सर्च बार में सर्च करना है पीएम किसान और सेम प्रोसेस आपको करना है, वही आपको बेनिफिशियरी स्टेटस का जो आपको लिंक देखने को मिल रहा होगा सेकंड वाले ऑप्शन, आपको बेनिफिशियरी स्टेटस के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर से आपको नाउ योर स्टेटस, आपका बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करने का जो पोर्टल है इस पोर्टल पर आ जाना है। आप जैसे ही इसको कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको दो टैब देखने को मिलेगा जो कि आपका बेनिफिशियरी स्टेटस को चेक करने का दो टैब देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, दो टैब में से किसी एक टैब में जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, जिनका मोबाइल उनके पास हो यानी उनके मोबाइल पर ओटीपी आता है उनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल कर देंगे। इसके बाद जो कैप्चा दिख रहा है कैप्चा को फिल करने के बाद यहाँ पर गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देंगे और हाँ यहाँ पर वही रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे जिनका मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है और वो मोबाइल आपके पास हो उनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करने के बाद और यहाँ पर कैप्चा को फिल करने के बाद और गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देंगे तो इस रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड किया जाएगा। और जैसे ही आप उस ओटीपी को यहाँ पर जो सेकेंड टैब है वो टैब में यहाँ पर आपको रजिस्टर नंबर को फिल करना है, इसके बाद कैप्चा को फिल करने के बाद गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो वाला जो आप फर्स्ट टैब में मोबाइल नंबर को फिल किए थे जो मोबाइल पर ओटीपी आया था उस ओटीपी को आपको यहाँ पर सेकेंड वाले ऑप्शन में जो ओटीपी आएगा इस ऑप्शन में आपको फिल कर देना है, ऐसा आपको करना है। चलिए मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखते हैं इस वाले टैब में मैं अभी वैसा मोबाइल नंबर को फिल किया हूँ जो मोबाइल मेरे पास है और जिसका ओटीपी मेरे पास आता है और फिल करने के बाद गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देते हैं। और आप जैसे ही गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करते हैं
हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट वाले टैब में जिनका ओटीपी आपके पास नहीं आता है, आपको पता नहीं है कि आपका इसमें कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर है या फिर जो मेरे मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर ओटीपी नहीं आ रहा है, तो उसका न्यू टैब में यहाँ पर उसका रजिस्टर नंबर को फिल करेंगे। इसके बाद जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करने के बाद गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर जो आपको ओटीपी पता नहीं है, ये मोबाइल का ओटीपी आपके पास नहीं आ रहा है, तो जो फर्स्ट वाले टैब में जो ओटीपी आपके पास आ रहा था, जो आपके पास मोबाइल था, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल करने के बाद गेट डाटा के ऊपर क्लिक कर देना है। और आप जैसे ही गेट डाटा के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनली जिसका ओटीपी आपके पास नहीं था, जिसका मोबाइल नंबर आपके पास नहीं था और उसके ओटीपी के प्रॉब्लम से आप चेक स्टेटस को नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पर देखते हैं किसी अदर के रजिस्टर नंबर को फिल करने के बाद और उसका जो ओटीपी आता है उस ओटीपी को आप यहाँ पर फिल करके जो आपके पास रजिस्टर नंबर है जिसका ओटीपी आपके पास नहीं है तो उस वाले मोबाइल का ओटीपी इस ओटीपी में फिल करने के बाद और गेट डाटा के ऊपर क्लिक करते हैं तो फाइनली जो आपका डिटेल्स है वो सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं इसी तरीके से आप बिना किसी ओटीपी के आप अपना डिटेल्स को चेक कर सकते हैं अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है, ओटीपी नहीं आ रहा है। तो दोस्तों यही था पीएम किसान का बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करने का फुल प्रोसेस वीडियो कि किस तरीके से आप पीएम किसान का बेनिफिशियरी स्टेटस को बिना ओटीपी को केवल रजिस्टर नंबर से किस तरीके से चेक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ बता दिया हूं, अच्छे तरीके से समझा दिया हूं। अगर आपको बिना ओटीपी को बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करने में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है या फिर आप इस वीडियो को देख करके कर रहे हैं और आपको अगर चेक करने में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बस आप लोगों को यही बताने वाला था, मिलते हैं फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।